بسم الله الرحمن الرحيم. पंजाब पुलिस में जो रिसेंटली कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल्स की जो भर्ती का अमल जारी है, जिसमें कि पंजाब भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बताइएगा काइंडली कि उम्मीदवार को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? पुलिस में भर्ती जो है ये बड़ा एक ट्रांसपेरेंट और नॉकआउट बेसिस पे होता है। आफ्टर रमज़ान जो है ये रिटन टेस्ट हो जाएगा, इसको पोस्टपोन नहीं किया गया। MCQs जो होते हैं वो उनकी 70% कह लें और 30% जो है वो सब्जेक्टिव है। ये जो रिटन टेस्ट है इसमें उम्मीदवार के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, DIG एस्टेब्लिशमेंट जनाब मकसूदुल हसन साहब। सर थैंक यू सो मच एंड वेरी वार्म वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पंजाब पुलिस में वैकेंसीज आती हैं, आया वो लो रैंक की हों या हाई रैंक की हों, तो पंजाब पुलिस का वो कौन सा ऑफिस है जो इसकी अप्रूवल देता है और इस सारे प्रोसीजर की जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है? बेसिकली अगर आप लोअर रैंक की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक टर्नओवर है और हमारी चूँकि एक मैन पावर ज़्यादा है और 5 से 6 हज़ार जो है वो सालाना हमारा टर्नओवर मीन्स के कुछ रिटायर होंगे या कोई नौकरी छोड़ कर जा रहे होंगे या किसी की वजह से वो उनकी जगह खाली होगी। तो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जो CPO में है ये इसका प्लानिंग करती है कि कितने इस साल रिटायर हो रहे होंगे या कई हमारे कोई नए इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें हमारी पुलिस की रिक्वायरमेंट हो जाती है या नई एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, जैसे ये पीरू आ गई, डॉल्फिन आ गई, तो इस सब को वर्कआउट करना जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है और फिर वो IG से उसकी अप्रूवल ली जाती है। चूँकि मौजूदा हालात में नई रिक्रूटमेंट किसी किस्म की भी हो तो उस पर बैन है और उस सूरत हाल में हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन ऑफ बैन जो है वो जब हमें अप्रूवल दे देती है तो फिर हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं बाई दी ऑर्डर्स ऑफ दी IGP। सर पंजाब पुलिस में जो रिसेंटली कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल्स की जो भर्ती का अमल जारी है, जिसमें कि पंजाब भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बताइएगा काइंडली कि उम्मीदवार को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? देखिए अगर आप ये देखें तो पुलिस में भर्ती जो है ये बड़ा एक ट्रांसपेरेंट और नॉकआउट बेसिस पे होता है। हमारे मुख्तलिफ किस्म के मराहिल हैं और अगर किसी भी मरहल से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेंट जो हो मेल या फीमेल वो उसको क्लियर करने में या कामयाब करने में नाकाम रहे तो फिर वो नॉकआउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि वो उसका जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सबसे पहले आ जाता है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने से मुराद ये है कि हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं, वेरीफाई बाद में करवाया जाता है। तो अगर किसी की एज ही ओवर एज है तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे तो वो जो भी एप्लीकेंट होगा वो पहली स्टेज पे नॉकआउट हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा मरहला होता है वो एंड्योरेंस टेस्ट होता है और फिज़िकल टेस्ट होता है कि क्या उसकी फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो पुलिस ऑर्डर के मुताबिक अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से उसके मुताबिक है, तो उसमें उसकी मेजरमेंट आ जाती है, उसमें उसका एंड्योरेंस टेस्ट आ जाता है जिसमें उसको 1 माइल की रेस करनी पड़ती है और उसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। अगर उसको वो क्वालिफाई ना कर सके तो वो मेजरमेंट या एंड्योरेंस टेस्ट की जगह पे वो नॉकआउट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका रिटन टेस्ट है और रिटन टेस्ट जो है काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के काम के मुताबिक हम प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी से लेते हैं और उसकी एवेल्यूएशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करता है कि एक मैट्रिक लेवल का कैंडिडेट जो है उसके लिए किस किस्म का पेपर होगा और उसमें नरेटिव पार्ट कितना होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट कितना होगा। तो वो जब टेस्ट क्लियर होता है तो फिर हम 1 से 3 की रेशो के मुताबिक इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं क्योंकि नौकरियों के मसाइल की वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारे लोग क्लियर भी कर देते हैं और जो मेरिट पे आता है उसको रखना होता है। तो फिर हम 1 से 3 की रेशो से कॉल करते हैं, यानी कि 1 सीट के अगेंस्ट हम 3 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और उसके लिए एक इंटरव्यू बोर्ड बना होता है। जो कंसर्न रेंज होगी उसका DIG जो होगा वो किसी और जगह पे जाके इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, किसी और रेंज का या इधर CPO से कोई DIG और उसके साथ एक SSP, ताकि उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी इम्पार्शियलिटी,
वो बरकरार रहे, कोई उस पर ऐसी बात ना आ जाए कि ये तो किसी की सिफारिश मान ली है या दूसरा हो गया। और जो कंसर्न ज़िला होता है उसका जो DPO होता है या CPO होता है वो उस इंटरव्यू बोर्ड का सेक्रेटरी होता है, यानी कि ये तीन ऑफिसर्स का एक बोर्ड बन जाता है हेडेड बाय DIG और एक किसी और ज़िले का या किसी और जगह का SP और उस कंसर्न ज़िले का DPO या CPO। तो उसके बाद उनका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जो मैंने पहले बात की थी कि हम उनकी वेरिफिकेशन कराते हैं, उनकी डिग्रीज की बोर्ड से करवाते हैं, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है वो हम स्पेशल ब्रांच से कराते हैं और कंसर्न पुलिस स्टेशन से कराते हैं। मैं इसमें कहूँगा कि इस ग्रेड की सीट का इस लेवल का इम्तहान शायद ही किसी और डिपार्टमेंट में होता हो कि जिसमें हर तरह की चीज़ों को मलूज़ खातर रखा गया, आपकी एजुकेशन को, आपकी फिजिकल मेजरमेंट को, क्वालिफिकेशन को, रिटन को, आपके बैकग्राउंड चेक को। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और महकमा जो है वो इतनी तगड़ो करता होगा। सर मिलियन डॉलर क्वेश्चन हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ स्टिकर्स भी पड़े हैं कि जो रिटन टेस्ट है वो पोस्टपोन हो गया। सर काइंडली जी बता दीजिए कि रिटन टेस्ट कब तक मतवक्के है? नहीं, रिटन टेस्ट पोस्टपोन नहीं हुआ। आप को किसी ने ये शायद उनको प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं होंगे, हमने टेस्टिंग एजेंसी हायर करनी है उसका हम इश्तिहार दे चुके हैं अखबार में, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने इनवाइट किया। उसमें जितनी भी टेस्टिंग एजेंसी जो हैं प्राइवेट वो अप्लाई करेंगी, अपना वो रिज्यूमे देंगी, उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे आ जाता है कोविड और रमज़ान, तो फिर डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया था कि आफ्टर रमज़ान जो है ये रिटन टेस्ट हो जाएगा, इसको पोस्टपोन नहीं किया गया। हमें जब हम रिटन टेस्ट लेते हैं और ऑल ओवर पंजाब लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि वो छुट्टी का दिन हो, कि हमने स्कूल कॉलेज के जो हॉल्स हैं वो हायर करने होते हैं, फिर कोई ऐसी हैपनिंग ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, कोई ऐसा विज़र्ड ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, ताकि वो एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपरली स्मूथ तरीके से। मैं टेंटेटिव बता सकता हूँ कि आफ्टर ईद ये फर्स्ट वीक कह लें या सेकंड वीक कह लें फौरी तौर पे ये हम देखिए जी, हमने भी उनके मेजरमेंट कर लिए है, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं और हमें भी ज़रूरत है क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद उनकी 9वां की 10वां की ट्रेनिंग भी होनी है, तो हम तो उनसे भी ज़्यादा जल्दी। सर ये जो रिटन टेस्ट होगा इसकी नोयत क्या है, आई मीन ऑब्जेक्टिव बेस होता है या सब्जेक्टिव बेस होता है, टेस्ट की कंडली नोयत क्या होती है? इसका जो मेजर पार्ट होता है वो MCQs होता है और इसके साथ नैरेटिव पार्ट भी होता है। नैरेटिव पार्ट में पैराग्राफ भी हो सकता है उर्दू इंग्लिश का और ऐसे भी हो सकता है या कोई प्रेसी या कोई और चीज़ भी हो सकती है उस लेवल के मुताबिक, लेकिन MCQs जो होते हैं वो उनकी 70% कह लें और 30% जो है वो सब्जेक्टिव होता है। सर ये जो रिटन टेस्ट है इसमें उम्मीदवार के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आई मीन एक उम्मीदवार कब कंसीडर होगा कि वो पास है? 40 मार्क्स उसके रिटन में और जो 8 हैं वो उसके इंटरव्यू में हैं, 20 में से 8 और 100 में से 40 उसके पासिंग मार्क्स है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हमने रिजल्ट का पैटर्न देखा है, 40 मार्क्स वाला पास भी कर दे और इंटरव्यू भी पास कर दे तो वो नॉर्मली वो नहीं आता, क्योंकि जो हमारा थ्रेश होल्ड बनता है वो 56-60 पे बनता है, तो पासिंग मार्क्स तो हैं 40%। अच्छा सर टेस्ट रिटर्न टेस्ट पास करने के बाद बाकी तमाम टेस्ट जो है वो क्लियर करने के बाद उम्मीदवार की अपॉइंटमेंट होती है, तो सर ये बता दीजिए कि ट्रेनिंग भी इनकी होती है, ट्रेनिंग की नोयत क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है और कहाँ पर ट्रेनिंग इनकी कंडक्ट की जाती है? 10 मंथ्स की उनकी ट्रेनिंग होती है। हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट जो हमारे 8 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं और 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनका एक ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहा होता है, उसमें न्यू रिक्रूट्स के भी ट्रेनिंग होती है और उसमें जो इन सर्विस होते हैं उनके प्रमोशनल कोर्सेज भी होते हैं। ओवर दी टाइम इस पर बड़ी मेहनत हुई है और उसमें सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जहाँ पे उनकी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है वहाँ पे उनकी बिहेवियर को भी
बेहतर किया जाता है, ग्रूम किया जाता है, और वो उनके इम्तहान होते हैं, फिज़िकल इम्तहान होते हैं, उनके तहरीरी इम्तहान होते हैं। तहरीरी इम्तहान में उनको जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है उसका भी होता है, और उनके बिहेवियर का और अखलाकियात का भी टेस्ट उसके साथ होता है। सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम वफाक पाकिस्तान की बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी की बात करते नज़र आते हैं, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ट्रांसपेरेंसी पे जोर देते नज़र आते हैं, तो मुझे बताइएगा कि पंजाब भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवारान इस में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए आपके ऑफिस ने क्या क्या इकदाम किए हैं? देखिए, पहले तो अगर आप ये देखें, ये कांस्टेबल की अपॉइंटमेंट जो है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसका DPO होता है। अगर आप वे बैक देखेंगे तो अगर उसमें उस वक्त कोई तालीमी कैद नहीं थी कोई, तो किसी भी SSP को उसके ज़िले में एक अच्छा जवान लड़का जो है और पढ़ा लिखा लगता हो तो उसको वो कोई टेस्ट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये ओवर द टाइम डिपार्टमेंट ने ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट का रॉ मटेरियल उठाने के लिए, तो ये सारे प्रोसेस बताए हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस ग्रेड में मुझे कोई और डिपार्टमेंट बता दे जो इतनी स्क्रूटनी करता होगा, इतने स्टेप्स लेता होगा और उसके बाद उसको सिलेक्ट करता होगा, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी चेक होने हैं, उसकी फिजिकल मेजरमेंट भी होनी है, उसका एंड्योरेंस टेस्ट भी होना है, उसका रिटन टेस्ट भी होना है, उसका इंटरव्यू भी होना है, और इंटरव्यू में उसका जो है एप्टीट्यूड ऑफ माइंड जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने हमें कुछ सवालात फ्रेम करके दिए होते हैं और उसके मुताबिक भी उसको जज किया जाता है, उसको वैल्यूएट किया जाता है। तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या है कि उस ज़िले का भर्ती होने वाला बंदा जो है उसका सिस्टम उसके अंडर नहीं है, एक ऑपरेटर्स जो है वो एक मैकेनाइज तरीके से, एक एस्टेब्लिश तरीके से काम करता है और हर चीज़ को वो चेक करता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो मार्केट से हम अवेलेबल लॉट जो है उसको पिक करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम्स में इतना ही, आने वाले प्रोग्राम्स में हाजिर होंगे नई जॉब्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।